मथुरा में एसएसपी ने 15 साल की लापता नाबालिग लड़की को ढूंढ निकाला है। बता दें कुछ दिन पहले कोचिंग जाते समय लड़की गायब हो गई थी और लड़की के पिता से 10 लाख फिरौती की मांग की गई थी। घटना की जानकारी पिता ने तत्काल स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद एसएसपी ने लड़की की बरामदगी के लिए 3 टीमों का गठन किया था। मथुरा में थाना सुरीर के अंतर्गत अभी विगत दिनों में एक लड़की का अपहरण का मुकदमा लिखाया गया था उसके पिता के द्वारा, जिसमें 10 लाख फिरौती की मांग की बात आई थी। ये विवेचना से मामला बिल्कुल झूठा पाया गया है, इसमें फिरौती आदि की कोई बात नहीं है। लड़की को बरामद कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के मणियाव थाना क्षेत्र से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। फिलहाल युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी में 2012 से 2016 तक हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। अभी तक सीबीआई कई अधिकारियों और बालू माफियाओं से पूछताछ कर चुकी है। वहीं खनन ऑफिस पहुंची सीबीआई की टीम ने खनन से जुड़े दस्तावेज की जांच करने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया है। पंजाब के फिरोजपुर में एक बच्चे ने अपनी बहादुरी से अपहरणकर्ता को जेल भिजवा दिया है। बता दें दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर बच्चे को अगवा करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दो अजनबी आए ने, उन्होंने बच्चे नो उदी बाजू पकड़ी है, मोबाइल खोले है, बच्चा डिग पे है, बच्चे ने उदी पकड़ी है, पिछो शर्ट पकड़ी है, वो गिर गए, फिर उन्होंने पकड़ के पुलिस दे वाले पकड़ लिया। बागपत के बड़ौद क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बीजेपी नेता अमित राणा ने अपने समर्थकों और हनुमान भक्तों के साथ पूजा पाठ की। दरअसल मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाज बड़ौद के मुसलमानों ने जब सड़कों पर पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको लेकर हिंदू संगठनों में उबाल आ गया, जिसके बाद हनुमान भक्तों ने भी सड़क पर हनुमान चालीसा कर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बहराइच के थाना रिसिया के अंतर्गत स्थित एक गैस एजेंसी के मैनेजर की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और पैसे से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मैनेजर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृत के परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र स्थित गदनपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में पिछले दिनों एक शिक्षिका ने पढ़ाई का काम पूरा ना करने पर एक छात्र की पिटाई कर दी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। जब उसके पिता ने शिकायत की तो शिक्षिका ने उसका इलाज कराने का आश्वासन दिया और उसका इलाज एक झोलाचार डॉक्टर से करवा दिया, लेकिन सही तरीके से इलाज ना होने के कारण छात्र के पैर में इन्फेक्शन फैल गया है। शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने विकास भवन में प्रशासन के अफसरों और जनगणमान्य नागरिकों के साथ एक खास बैठक की, जिसमें 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त के दिन अगर झंडे का अपमान होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि प्लास्टिक का झंडा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और ऐसे में कहीं पर भी प्लास्टिक का झंडा बिकते हुए पाया गया तो विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी में सवार बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस टीम ने इसकी खबर वायलेंस पर दी, जिसके बाद एसओ चिलकाना ने टीम के साथ घेराबंदी की और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वही बदमाशों का एक साथी मौका पाकर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शाहजहांपुर में बदमाश के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें इस घटना में एक कावड़ यात्री सहित 4 लोग घायल हो गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और डीएम ने सभी पर एनएसए के तहत कार्रवाई